आप सरकार वालों पंजाब दे विच बिजली नू लैके एक वड्डा ऐलान कर दिता गया है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तो एक महीने बाद अखबारों के इश्तहार दे के ऐलानिया गया है कि पंजाब दे विच 1 जुलाई 2022 तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। 2 किलोवाट के मीटर की पंजाब दे विच बिजली मुफ्त की जाएगी। 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त होएगी। पंजाब दे विच ये जो गरंटी सी सब तो पहला गरंटी दी गई सी पंजाब सरकार बनन तो पहला केजरीवाल वालों ये गरंटी दी गई सी जून 2021 दे विच। उस समय गरंटी देंदे हुए केजरीवाल ने की कहा सी इस वीडियो दे विच सुनो। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं तीन घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये तीन घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, तीन ऐलान दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा दो बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दूंगा। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव है जिसमें कई कई 1,000 रुपए के लोगों को बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है, सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे, लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये तीन बड़े बड़े ऐलान हैं, एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली,
दो पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी।